हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों मैं आपका भाई नरेश कुमार दोस्तों आज आया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों पुराने सिक्के और नोटों को लेके एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बहुत ही बड़ी इस तरह के जो सिस्टम चल रहा है जो अपने साथ फ्रॉड करते हैं उसके बारे में अपन एक बार लाइव बात करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्रत्येक आदमी तक फ्रॉड की जानकारी पहुंच सके, किस तरह से लोग नए नए तरीक़ों से फ्रॉड करते हैं और किस तरीके से इस तरह के लोगों के जो गैंगें बना के अपने साथ फ्रॉड और ठगी करते हैं। तो अपन बात करेंगे अभी सिक्के और नोटों की। मेरे पास है एक 2 रुपए का नोट, मैं एक बॉयर के पास कॉल करूंगा जिसका नंबर मैंने यूट्यूब या इससे गूगल से और यूट्यूब से दोनों पे उसके ऐड मिले हैं मेरे को। तो मैं उससे बात करूंगा लाइव और आप तक पहुंचाऊंगा उसकी पूरी जानकारी। तो देखिए मैं एक 2 रुपए के नोट के लिए किसी बॉयर से बात कर रहा हूँ, क्या वो खरीदेगा या अपने साथ फ्रॉड करेगा? ये देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ, 2 रुपए का नोट है मेरे ऊपर मेरे पास जिसके ऊपर जो ग्लोब वाला। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने आपके नंबर गूगल से लिए हैं सर। हाँ जी सर, मैं गोल्ड कॉइन कंपनी जयपुर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर बताइए सर, मेरे अगर पास आपके एक पास सर पुराने नोट सिक्के कॉइन्स अगर रहे तो आप हमें भेज सकते हो सर। सर मेरे पास 2 रुपए का नोट है जो ग्लोब वाला चिन्ह उसके ऊपर मंडा हुआ है, हाँ तो जी सर, मैं तो आप सोच रहा था सर हमारे उसको वो कहीं सेल हो जाए तो पेमेंट अच्छी रकम मिल जाए तो सर इसलिए। सर एक ही नोट है या और भी नोट है सर? जी सर एक ही नोट है मेरे पास 2 रुपए का। आप बेचना चाहते हो सर? जी हाँ सर। तो सर आपको अभी फुल प्राइस मिलेगा क्योंकि 5 से 7 अगस्त को प्रदर्शनी है सर नोटों की। अच्छा, हाँ सर, तो आप उस नोट को मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो सर। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। सर कीजिए सर एक बार, आप मैं नोट की वैल्यू बता दूँगा आपको, रेट बता दूंगा कंपनी को भेज के कि कितने रुपए आपको उस नोट के मिलेंगे इसी सर। नंबर पे करना है क्या सर? हाँ सर, इसी नंबर पर करना है। व्हाट्सएप पे फोटो से समझ में आ जाएगा सर नोट? हाँ सर, वो मैं कंपनी को भेजूंगा, कंपनी उसकी रेट क्या बताती है वो आपको बता दिया जाएगा सर फिर। अच्छा, सर मैं ये 2 रुपए का नोट है मेरे पास क्योंकि सर इसमें इसकी ऐसा होता है कि कौन से सन में नोट बना हुआ है, कौन सा सन है, हर चीज देखी जाती है सर, फिर उसकी रेट बताई जाती है कोई दिक्कत कंपनी के नहीं सर, द्वारा मैंने सर। भेज दिया आपके पास, देख लीजिए सर, चेक कर लीजिए। एक सेकंड सर, चालू रखिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सर, ये 2 रुपए की जो नोट है मेरे पास इसकी मैंने फ़ोटो एक आपको सेकंड सेंड सर, कर चालू दी है, आप रखिए। देख हाँ लीजिए सर। जी सर, आपकी फोटो आ गई है हाँ तो मैं अभी इसको आगे भेजता हूँ, अगर कंपनी इसकी क्या रेट बताती है सर। चालू जी बिल्कुल भेज दीजिए सर। ओके रखिए, आप होल्ड रखिए। ओके। हाँ जी सर, सर हाँ जी सर, मैंने कंपनी को यह नोट भेजा है, कंपनी ने इस नोट की रेट बताया है 16 लाख रुपए सर। हाँ अच्छा 16 लाख रुपए, जी सर, तो उसमें से कितने रुपए मिलेंगे सर मेरे को? अगर आपको ये नोट बेचना है तो 16 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से ये प्रोसेसिंग रहेगी सर कि 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाले जाएंगे, 8 लाख रुपए आपको कैश दिया जाएगा सर। सर अच्छा पूरा 16 लाख हमको मिलेंगे है ना? इसकी प्रोसेसिंग ये रहेगी नोट की कि हमारा कस्टमर आपसे नोट लेने आएगा सर, जी हमारा कस्टमर ही आपके आपसे नोट लेने आएगा, जी जी जिसके अंदर ये रहेगा सर, आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो रजिस्ट्रेशन संख्या होगी सर वो हमारे कस्टमर को दिखाना होगा, फिर अच्छा और जो आप। आप अपना आईडी प्रूफ भेजेंगे सर हमारे पास, हाँ वो आईडी प्रूफ उस कस्टमर को दिखाना होगा कि मैंने ये आईडी प्रूफ भेजा, जिसकी वो फोटोकॉपी अपने पास लेकर आएगा कंपनी से। हाँ, अच्छा उससे वेरीफाई हो जाएगा ये वही बंदा है जिससे अपन ये ने वही खरीदा बंदा है था। जिसे हमने नोट खरीदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। साथ में आपको अपने अकाउंट नंबर, बैंक जी के आईएफएससी कोड, डायरी की अच्छा जी फोटो कॉपी अभी सेंड करना होगा ताकि हमें रजिस्ट्रेशन करके आधा अमाउंट आपके अकाउंट में टेक करेंगे सर। अच्छा, मेरी आईडी जो अकाउंट नंबर ये सारे भेजने पड़ेंगे आपके पास है आपके ही ना? अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे आधे रुपए सर, 8 लाख रुपए आपके, बाकी जी का पेमेंट सर आपको कस्टमर के द्वारा इन एंड कैश दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए हमारा। हाँ वो कोई रजिस्ट्रेशन दिक्कत की प्रोसेसिंग ये रहेगी सर आपके लिए, क्या सर? इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का एकमात्र छोटा सा शुल्क होगा जो 1500 रुपये का होगा सर, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे अभी? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, इस नोट को बेचने के लिए आपको कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नहीं सर, पैसे तो आप दे रहे हो ना, हमें क्यों देना पड़ेगा? आप तो हम तो दे रहे हैं लेकिन सर, हम आपको जो पैसे मिलेंगे उनका रजिस्ट्रेशन, साथ में इस नोट को बेचने का रजिस्ट्रेशन कंपनी गवर्नमेंट के आधार पे करती है कि गवर्नमेंट का ये नोट है जो कि हम खरीद रहे हैं और हमको ये प्रदर्शनी में ये नोट लगाना है, इसलिए इसके पैसे लगेंगे सर।
अच्छा, तो 1500 रुपये हमें सेंड करना पड़ेगा पहले आपको, उसके बाद पंद्रह में सौ आप। रुपये आप सेंड करोगे, हम रजिस्ट्रेशन संख्या देंगे आपको, चलो वही सर कोई रजिस्ट्रेशन दिक्कत संख्या नहीं, एक आपको काम हमारे कीजिए कस्टमर सर, को दिखाना होगा सर। सर आप तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जो मेरे 1500 रुपये आप जो जैसे ही पेमेंट आएगा आपका 8 लाख रुपये भी, उसमें से मैं आपको वापस नहीं सेंड सर कर ऐसा दूंगा। सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर ये होता है कि आप अगर हमारे पास 1500 रुपये भेजोगे तो वो हम स्क्रीनशॉट कंपनी को डालेंगे, इस कस्टमर ने ये 1500 रुपये डाले, अच्छा उसी नाम पे वो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, फिर हम आपको सेंड करेंगे। तो सर अभी तो मेरे पास ना डॉक्यूमेंट है, पैसे भी कम है खाते में, इसलिए क्या करना पड़ेगा तो सर? सर आप थोड़ी देर बाद में कॉल कर देना हमारे को। सर नहीं सर रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए ना सर, कोई तो दिक्कत नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन आपके बिना पैसे पैसा कहीं नहीं रजिस्टर जाएंगे, नहीं होगा, 8 लाख रुपये आपका जैसे एक आएंगे खाता हम खोल पंद्रह देंगे, सौ क्या 15 हज़ार भेज 1500 रुपये देंगे। जमा कराओगे तो हम मेरी रजिस्टर कर देंगे सर। सर आप 1500 की बात कर रहे हैं, मैं 15 हज़ार भेज दूंगा, आप तो पैसे तो भेजिए एक बार। 15,000 नहीं चाहिए सर, ये कंपनी के फिक्स रेट है, जो इससे ज्यादा हम नहीं लेते सर, और कोई शुल्क होगा नहीं तो आपका, सर केवल ये रजिस्ट्रेशन आपकी जो शुल्क होगा कंपनी एक। है सर, आपकी कंपनी है वो सर, बिना रजिस्ट्रेशन के क्यों नहीं खरीदती? हम वहाँ जाके खरीद दे दे देंगे आपको, तो क्या सिस्टम है सर? नहीं सर हमारा कंपनी का ये इश्यू शुरू से ही ऐसा ही किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करवा के ही नोट खरीद सकते हो आप। नहीं हम वहीं लेके आ जाएंगे ना सिक्की, जो अपना नोट है उसको वहीं लेके आ जाएंगे, तो आप ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हमारा सर पेमेंट आप पेमेंट जो लेके बनता तो है। आ सकते हो, लेकिन सर इसमें ऐसा रहता है कि हमारा कस्टमर लाता है उसको वहाँ लगाया हुआ है हर क्षेत्र में, तो वही उसी के आधार पर उसी से प्राप्त किया जाता है सर। बिना रजिस्ट्रेशन आप हमारे यहाँ नोट भी नहीं ला सकते सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले होगा तभी हम नोट लेंगे सर। तो सर फिर तो अभी तो पैसे तो है ही नहीं ना सर, क्या करें सर? सर कुछ कर दीजिए ना जुगाड़ सर, कम कर दीजिए, फिर पैसे कम कर दीजिए, मैं आधे पैसे भेज देता हूँ, 500-600 रुपये भेज दूंगा अभी, बाकी पेमेंट बाद में भेज दूंगा, कर हाँ दीजिए एक सर बार रजिस्ट्रेशन, 600 रुपये भेज देता हूँ आपको 600 रुपये सर कम हो जाएगा सर, मैं सर। कंपनी से बात करके बता सकता हूँ सर आपको एक पेमेंट बार कितना पे मेरा होता है सर। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद में आपका पेमेंट जो रहेगा वो बाकी और भेज देंगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले सर, नहीं पैसे तो सर अठारह ऐसा लाख नहीं होगा, कंपनी में अगर आपके पास 1100 रुपये है तो आप 1100 रुपये से कम नहीं कर सकते, हम सर आपको 16 लाख रुपए कंपनी मिल के रहे हैं दोबारा तो सर क्यों नहीं देंगे आप, ये तो सोचिए, 16 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं तो दे दूंगा आपका पूरा ये पेमेंट। सर आपको नोट बेचना है तो ये बताइए, नहीं बेचना तो ये हमारा देखिए टाइम सर ये खराब मत मेरे लीजिए सर, पास हमारे पंद्रह और सौ भी रुपये कस्टमर नहीं है है, सर। आप फ्रॉड करते हो मेरे को पता है, हाँ सब जानता हूँ मैं, आपको वीडियो में बनाने के लिए मैंने आपको कॉल किया था, ठीक है, नहीं सर ये सब हमारा लोगों ऐसा तक कोई सिस्टम पहुँचाऊँगा नहीं है, अगर सब, आपको नोट भेजना तो बताएं, हम नहीं सब भेजना तो पता हमारा है, टाइम हमें खराब सब होती है पता सर, है, हमारे आप और सब भी लोग कस्टमर फ्रॉड सर करते बहुत हो, मैंने कस्टमर कम आ रहा से है कम सर, 17 वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के, ठीक है, अलग अलग रोज़ अलग अलग के पास कॉल करता हूँ मैं, मेरे यही पता करना है कि ऐसा कोई कौन सा सिस्टम नहीं है, हमारी रजिस्ट्रेशन शुल्क कंपनी नहीं जयपुर मांग में रहा है। काम कर रही है, आप कहीं पे भी आके देख सकते हो, 200 फीट बाईपास जयपुर में काम करती है सर। यही जानकारी ले रहा हूँ कि कौन सा आदमी है जो फ्रॉड नहीं कर रहा है, वास्तव में खरीद रहा है, या कौन से हैं जो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप सब एक ही गुट के आदमी हो, मेरे को ठीक सर पता आपको चल नहीं गया, आज बेचना, के मुझे बाद में पता लग आपको गया आपके कोई भी, बातों से पता चल रहा है सर आपको हाँ नोट हाँ बेचना ही नहीं है सर। नहीं ठीक बेचना है ना, है ही नहीं ना मेरे पास, तो सर बेचेंगे कहाँ ठीक है से? सर ठीक है सर, मेरी बात सुनिए, आप फ्रॉड कर नहीं रहे हो, सर इसी ठीक की है मैं सर जानकार, आज के बाद में जो मेरे वीडियो को देखेगा वो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों फ़ोन इसने काट लिया है, तो मैं आपको यही जानकारी दूंगा दोस्तों कि अपन को बहुत सारे एड इस तरह के मिल जाते हैं, जिसमें पुराने सिक्के, पुराने नोट, माताजी वाले सिक्के की फोटो वाला नोट, जो ट्रैक्टर वाले नोट की जो नोट फोटो वाला नोट है, जो ग्लोब की फोटो वाला नोट है, जाहिर सी बात है दोस्तों अपने पास इस तरह के नोट, इस तरह के सिक्के खूब सारे मिल जाते हैं घर पे, पुराने नोट और सिक्के पड़े मिल ही जाते हैं। तो जैसे ही अपन ऐसा एड देखते हैं तो अपने मन में लालच जागता है, अपन सोचते हैं कि वास्तव में अपने पास पड़ा है, और अपन ये पैसे निकाल उठा लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन ऐसा एड देखते हैं तुरंत उस नंबर पे कॉल करते हैं, और वो अपन को ऐसी जानकारी देता है तो अपना तुरंत ही उस पर विश्वास कर लेते हैं, और उसके पास सारी डिटेल अपनी भेज देते हैं। जैसे ही अपन सारी डिटेल भेजते हैं, वो क्या करता है, अपन से रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से पैसे मांगते हैं, और इतने ही पैसे मांगते हैं जैसे 1100, 1200, 1500 के आसपास। तो अपन सोचते हैं यार अपन को 18 लाख रुपये मिल रहे हैं, 17 लाख रुपये मिल रहे हैं, तो अपन 1500 रुपये दे ही देते हैं, क्या दिक्कत है? तो अपन जैसे ही 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के उनके पास भेजेंगे, वो अपन को कहेंगे देखिए सर आपका जो सर्विस चार्ज वो लगेगा, वो लगेगा 2000 रुपये। तो अपन सोचते हैं कि यार अपने 1500 रुपये ऑलरेडी सेंड कर ही दिए, 17 लाख अपन को मिल रहे हैं, तो अपन 2000 रुपये उसको और सेंड कर देते हैं। फिर वो क्या करता है, रुकता नहीं है, बार बार इस तरह के अपन को रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगता रहता है, और अपन के साथ एक बड़ा फ्रॉड कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह से जो एड अपन को मिलते हैं, पुराने सिक्के और पुराने नोट, और जो इस तरह की जो पुरानी जो वस्तुएं हैं वो खरीदने के नाम पे, जो
अपने साथ जो फ्रॉड करते हैं इस तरह से, अपने से जो रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगते हैं उनके चक्कर में कभी नहीं पड़े। ये सब लोग फ्रॉड होते हैं, इनके चक्कर में पड़ के कभी भी अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको नहीं गंवाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि प्रत्येक आदमी को इस तरह के फ्रॉड की जानकारी हो सकें, वो सावधान हो सकें। दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।